तुम जिस रूप में मुझे देखते हो, जिस रूप में मुझे सोचते हो, मैं उस रूप में तुम्हारे पास होता हूँ। मैं वही रूप तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। अगर तुम पिता कहो तो मैं पिता के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। तुम माता कहो तो मैं माता के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। तुम भाई, बंधु, सखा, कुछ भी कहो, मैं उस हर रूप में तुम्हारे सामने होता हूँ। तुम्हारे भाव मन के जैसे होते हैं, वैसा ही मेरा मन तुम्हारे सामने आकर प्रकट होता है। मुझे तुमसे रिश्ता चाहिए। तुम किस रिश्ते में मुझे मानते हो, तुम किस रिश्ते में मुझे अपनापन देखते हो और मुझ में अपने आप को देखते हो। एक बात याद रखना कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हो सकता हूँ, क्योंकि तुम जिस रूप में मुझे देखोगे, मैं उस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। मैं कभी-कभी तुम्हारे सामने खुद तुम्हारे तरह प्रकट होता हूँ और तुम मुझे देखते भी हो। मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जब तुम मुझे महसूस करोगे, जब जब तुम मुझे याद करोगे, मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। याद रखना, तुम मुझे कहीं भी नहीं ढूंढने जाओगे और ना ही तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे मन का भाव, तुम्हारे मन का समर्पण, तुम्हारे मन की लगन, बस ये चीज़ें ही तो हैं जो मुझे तुम तक, तुम्हारे पास तक आने के लिए मजबूर कर देती हैं। और मुझे कहीं भी ढूंढने नहीं जा पाओगे। जब भी तुम मुझे याद करोगे और जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो रहे हो और तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, तुम्हें किसी अपने की ज़रूरत है, तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे पास एक पल भी गंवाए बिना बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। और तुमने ये महसूस भी किया है, तुम्हें याद होगा अभी जो नया साल गया है उसमें तुम्हें 1 तारीख को, तुमने याद है, मेरे मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे थे और तुम्हें लग रहा था कि मंदिर दूर है, तुम नहीं जा पाओगे, कुछ मौसम ऐसा है। और तभी तुमने देखा होगा कि मैं तुम तक पहुंचा था। कैसे पहुंचा था ये भी तुम्हें पता है। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं तुम तक नहीं पहुँचता हूँ। मैं तुम तक तब तक पहुँचता हूँ जब तक तुम मुझे बुलाते रहोगे। तुम्हारे मन के भाव ही ये निर्धारित करते हैं कि मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तुम अगर ये सोचते हो कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाता हूँ, तो बिल्कुल नहीं होता हूँ। और अगर मैं तुम्हें तुमसे नाराज़ होता हूँ तो मैं तुम्हें वहीं पर ही आदेश देता हूँ कुछ चीज़ों को ना करने के लिए और कुछ चीज़ों को करने के लिए। लेकिन उसके बाद मैं नाराज़गी नहीं दिखाता हूँ, तुमसे खफा होकर कभी नहीं बैठता हूँ और ना ही कभी होऊंगा। क्योंकि खफा होना, नाराज होना, ये हम दोनों की आदत में है ही नहीं। ना तुम मुझसे नाराज होते हो, ना मैं तुमसे नाराज होता हूँ, और ना ही कभी ऐसा मौका आएगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहा करो, हमेशा अपने काम में ध्यान दो। और याद रखना, ये जो रास्ते हैं ये तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। बस लगे रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो।